बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और आप देख रहे हैं डबल ए रियल स्टेट यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस न्यू वीडियो में हम विज़िट करेंगे ब्रांड न्यू 7 मरला सिंगल यूनिट हाउस का, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। इसकी जो डायमेंशंस हैं वो है 30x55। 30 जो है वो इस घर का फ्रंट है, विड्थ है, चौड़ाई है, और 55 जो है वो इस घर की लेंथ है, लंबाई है। आप सब देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को काइंडली एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस घर का हम डिटेल विज़िट करेंगे और आपके साथ में इसकी डिमांड आस्किंग प्राइस शेयर करूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे विदाउट सर्चिंग, सर्च किए बगैर। तो चलते हैं, इस घर का विज़िट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट एलिवेशन देख लें, इसका काफ़ी अमेजिंग है और फ्रंट एलिवेशन पे फैंसी स्टोन टाइल का इस्तेमाल किया गया है। और इस घर के राइट साइड पे प्लॉट अवेलेबल है, राइट नेक्स्ट टू द प्लॉट घर कंस्ट्रक्टेड है, फैमिली रह रही है, और लेफ्ट साइड पर भी प्लॉट अवेलेबल है, राइट नेक्स्ट टू द प्लॉट घर कंस्ट्रक्टेड है। और चलते हैं अब इसके रैम पे। व्यूअर्स, ये आ गया हमारे पास इस घर का कार रैम। आप देख सकते हैं कंप्लीट टफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास इसका ग्रीन एरिया अवेलेबल है, जो कि जिसकी आप अच्छी मज़ीद प्लांटेशन कर सकते हैं। प्लस पॉइंट इज़ हमारे पास इस घर में जो है गैस भी इंस्टॉल्ड है, ये आप देख सकते हैं। और बिजली का जो मीटर है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, 3 फेज़ मीटर इंस्टॉल्ड है। और ये अब आप इसका मेन गेट देख लीजिए, स्लाइडिंग मेन गेट है। चलते हैं इस घर के पोर्च में। व्यूअर्स, ये आ गया हमारे पास इस घर का कार पोर्च। आपको बिल्कुल सामने 3 डोर नज़र आ रहे होंगे। इसका सीलिंग चेक कर लें, और फ्लोर पे हमारे पास जो है टाइल का इस्तेमाल किया गया है। लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, तो सबसे पहले आपको मैं फैंसी स्टोन वाली टाइल का व्यू करवा दूं फ्रंट एलिवेशन पे, जिसका इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और पानी का पम्प भी हमारे पास अवेलेबल है। कार पोर्च का आपको एक और एंगल से व्यू करवा दूँ, ताकि आपको एक अच्छा एरिया हो जाए। और कार पार्किंग स्पेस की अगर आप बात करते हैं, तो व्यूअर स्पेस इतनी है, या तो आपकी 2 छोटी गाड़ियां या तो एक बड़ी गाड़ी अलॉन्ग विद साइकिल्स, बाईसाइकल्स ईजिली पार्क कर सकते हैं। व्यूअर्स, आपको जो लेफ़्ट साइड पे एंट्रेंस नज़र आ रही है, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के ड्राइंग रूम की है। और जो डबल डोर वाली डबल इंट्रेंस नज़र आ रही है, हमारे पास मेन टीवी लॉन्च की है। और जो आपको राइट साइड की एंट्रेंस नज़र आ रही है, मैंने आपको बताया था ये जो है घर सिंगल यूनिट घर है, ये यहाँ से हमारे पास स्टेयर्स अवेलेबल हैं, जो आपको अपर पोर्शन के टेरेस पे लेके जाएंगी। इस घर में हमारे पास, ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, कैमरा सिस्टम जो है, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉल्ड हैं। और चलते हैं घर के पोर्च में। थ्रू आउट द हाउस आपको ऐसे बटन्स देखने को मिलेंगे घर में। और स्टेप देख लीजिए, ब्लैक जेट ग्रेनाइट हैं। डबल डोर देख लीजिए। चलते हैं घर के लाउंज में, घर के अंदर। ये अब हम आ चुके हैं व्यूअर्स इसके लाउंज में। व्यूअर्स, आपको मैं साथ साथ इस घर की थोड़ी बहुत डिटेल्स बताता चलूं। फ़िलहाल हम अभी इसके टीवी लाउंज में खड़े हुए हैं। और व्यूअर्स, ये घर जो है ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा जो है वो बंद रखा गया है। 7 मरला ये ब्रांड न्यू घर ही है, और ब्रांड न्यू, थोड़ा सा रफ़ कंडीशन इसकी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि ये 1 साल घर जो है कम्प्लीट बंद रहा है, मतलब किसी ने यूज़ नहीं किया, लेकिन घर जो है वो बिल्कुल ब्रांड न्यू है। छोटे मोटे माइनर से टचअप्स हैं, जो कम्प्लीटली 100% ओके करके घर जो है आपके हैंडओवर किया जाएगा। और इस घर का जो मैप है, वो आपको बाकी 7 मरला ये घरों से कम्प्लीटली डिफरेंट लगेगा, लेकिन मैं आपको साथ साथ वीडियो में सारा गाइड करता जाऊँगा। इस घर में हमारे पास ग्राउंड पे 1 मास्टर साइज बेडरूम अवेलेबल है विद अटैच वॉशरूम, यहाँ पे अवेलेबल है। 1 क्लोज किचन अवेलेबल है, 1 स्पेशियस TV लाउंज अवेलेबल है, एंड 1 जो है हमारे पास क्लोज ड्राइंग रूम सेपरेट अवेलेबल है। और जो लॉन्ड्री की एक्सेस है हमारे पास, वो यहाँ से अवेलेबल है। और अपर पोर्शन की जो एक्सेस है, वो हमारे पास यहाँ से सेपरेट अवेलेबल है। प्रॉपर एक सिंगल यूनिट हाउस है व्यूअर्स, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। और इसी वीडियो में फ़र्दर आगे जाके आपको मैं इस घर की डिमांड, इस घर की आस्किंग प्राइस जो है वो आपसे शेयर करूंगा। तो आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। और सबसे पहले हम इसका पाउडर रूम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका पाउडर रूम अवेलेबल है। फ्लोरिंग की आप टाइल देख लें, बिल्कुल डिफरेंट है। वॉल पर फैंसी टाइल है। इसका वॉश बेसन और वेंटिलेशन की विंडो और इसका मिरर एरिया अवेलेबल है। व्यूअर्स, अगेन बताता चलूँ, 7 मरला ब्रांड न्यू सिंगल यूनिट हाउस है। और आपको थोड़ा बहुत वीडियो में थोड़ा रफ़ लगेगा, जिसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया। ये घर जो है बिल्कुल क्लोज रहा है,
एक साल से ज़्यादा ऑलमोस्ट, और इसकी जो प्राइस वैल्यू है, इसकी जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस फ्रॉम ओनर साइड, वो भी काफ़ी डिसेंट है, हाई नहीं है। आपको उम्मीद है आपको लगेगा कि जो इसकी आस्किंग है वो भी बिल्कुल नॉर्मल है आजकल के ब्रांड न्यू घरों के लिहाज से। ये हमारे पास ड्राइंग रूम की सेपरेट एंट्रेंस है, ग्लास का और वुड का डोर लगाया गया है, और ये अब हम आ चुके हैं इसके ड्राइंग रूम में। वेंटिलेशन की हमारे पास दो विंडोज़ अवेलेबल हैं। थ्रू आउट द हाउस हमारे पास वॉल पे जो पेंट है वाइट कलर का है, और ये इसका सीलिंग देख लें। अब आपको मैं फ्लोरिंग दिखा दूँ इसकी। फ्लोरिंग पे हमारे पास जो है फैंसी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, और साथ साथ वुडन टेक्सचर वाली जो टाइल होती है, जो वुडन लुक प्रोवाइड करती है, उसकी हमारे पास जो है स्कॉटिंग अवेलेबल है। ये आप एक और एंगल से इसका व्यू कर लीजिए ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। और व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, आपको अगर ये घर पसंद आता है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करें। ये एक और एंगल से व्यूअर्स आप इसका व्यू कर लें ताकि आपको एक अच्छा एरिया हो जाए। और जो आपको ये सामने डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये हमारे पास कारपोर्ट से ड्राइंग रूम की सेपरेट एक्सेस का है। 7 मरला सिंगल यूनिट ब्रैंड न्यू हाउस है, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन में सेल के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे बिल्कुल सामने हमारे पास जो है एलईडी रैक, एलईडी पॉइंट आप कह सकते हैं, अवेलेबल है इस घर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारे पास सिक्योरिटी कैमरास जो है इंस्टॉल्ड हैं। और ये हमारे पास अपर पोर्शन की एक्सेस है। मोस्टली घरों में स्टेयर्स की जो नीचे जगह होती है वो बिल्कुल ब्लैंक छोड़ी गई होती है, यहाँ पर इसका स्टोर रूम टाइप बनाया गया है। और यहाँ पर हमारे पास का क्लोज किचन अवेलेबल है और मास्टर साइज बेडरूम अवेलेबल है। चलते हैं इसके किचन में। तो सबसे पहले फ्लोरिंग आप देख सकते हैं किचन की जो है फैंसी टाइल की है, बिल्कुल डिफरेंट है हमारे टीवी लाउंज की टाइलिंग से और ड्राइंग रूम की टाइलिंग से। इसका आप डोर देख लीजिए। और जो हमारे पास लॉन्ड्री की एक्सेस है व्यूअर्स, वो हमारे पास यहाँ से भी है। और जो हमारे पास ड्राइंग रूम लाउंज में जो जगह है, ये भी काइंड ऑफ लॉन्ड्री ही है, लेकिन इसको घर का मैप जो है व्यूअर्स, आपने ऐसा मैप कभी नहीं देखा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट एंड यूनिक मैप है। तो ये भी कोई स्पेस खाली है, बहरहाल यहाँ से भी हमारे पास लॉन्ड्री की जो स्पेस है अवेलेबल है। ये इसकी आप कैबिनेट्स देख लीजिए किचन की। और स्टोव जो है मिसिंग है, हुड हमारे पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन जो आपको माइनर सी टचिंग्स और मिसिंग चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो भी 100% ओके करके घर जो है आपके कम्प्लीटली हैंड ओवर कर दिया जाएगा। इसकी शेल्फ देख लीजिए। और इसी वीडियो में आगे जाके फर्दर आपको व्यूअर्स में इस घर की डिमांड, इस घर की आस्किंग प्राइस मैं आपसे शेयर करूंगा। और इस घर के अलावा भी, ये तो 7 मरला का ब्रांड न्यू सिंगल यूनिट हाउस है, तो इस वीडियो के अलावा भी आपको इसी चैनल पे 5, 7 और 10 मरला के ब्रांड न्यू घरों की कंप्लीट वीडियोस मिल जाएगी। और 7 मरला के डबल यूनिट हाउस भी अवेलेबल हैं मार्केट में फॉर सेल के लिए। इस चैनल पर भी वीडियोज़ अपलोड हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो घर है 7 मरला का, इसका जो मैप है वो बिल्कुल डिफरेंट है, और इसकी जो डिमांड है, आस्किंग प्राइस जो है, वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो आपको मैं वीडियो के मिड में या लास्ट में आपके साथ में शेयर कर दूंगा, आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। चलते हैं इसकी लॉन्ड्री की तरफ। तो डबल डोर के साथ लॉन्ड्री अवेलेबल है। फ्लोरिंग पे आप देख सकते हैं लॉन्ड्री में भी टाइल्स हैं हमारे पास। घर थोड़ी देर पहले ही धुला है तो थोड़ा बहुत गीला है। यहाँ पर हमारे पास आई थिंक स्टोर रूम अवेलेबल है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे पास स्टोर रूम अवेलेबल है, और छत पे भी सर्वेंट रूम हमारे पास होता है। ये आपको देख सकते हैं विंडो जो है हमारे पास रूम की वेंटिलेशन की विंडो है। व्यूअर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस घर का जो हाउस प्लान है वो बिल्कुल जो है डिफरेंट है 7 मरला के घरों से। इस घर में हमारे पास टोटल जो है 3 मास्टर साइज बेडरूम्स अवेलेबल हैं विद अटैच वॉशरूम, 2 स्पीशियस टीवी लाउंज अवेलेबल हैं, एंड 2 किचन जो हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अब मूव बैक करते हैं हम अगेन से इसके टीवी लाउंज की तरफ। तो ये आपको मैं किचन के एंगल से टीवी लाउंज का व्यू करवा दूं ताकि आपको एक अच्छा एरिया हो जाए सिटिंग अरेंजमेंट का। और अब हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट मास्टर साइज बेडरूम की तरफ। तो सबसे पहले इसका आप डोर देख लीजिए, और फ्लोरिंग की टाइल आप देख सकते हैं बिल्कुल टीवी लाउंज की तरह है, स्कॉटिंग भी। और इस रूम में हमारे पास वेंटिलेशन की विंडो भी अवेलेबल है। सीलिंग देख लीजिए आप, एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल भी किया गया है। और लेफ्ट साइड पे मेरे हमारे पास इसकी जो है काफ़ी ज़्यादा वार्डरोब जो हैं अवेलेबल हैं।
वेयर्स 7 मरला का हाउस है जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में सेल के लिए अवेलेबल है। और ये घर जो है वेयर्स कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। इंस्टॉलमेंट पे आप हमसे अपना 5, 7 या 10 मरले का जो घर है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। इसी वीडियो में आपको मेरा नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मेंशन है। आप मुझसे किसी भी टाइम कांटेक्ट करके इंस्टॉलमेंट प्लान जो है 5, 7 और 10 मरला के जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो आप मुझसे ले सकते हैं। अगर किसी रीज़न की वजह से आपकी कॉल पिक नहीं होती, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी है, आप व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी ड्रॉप कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। लेकिन इस चैनल पे जितने भी ब्रांड न्यू घर हैं व्यूअर्स, सब के सब कैश पे अवेलेबल हैं, और कोई भी घर जो है डाउन पेमेंट पे, किस्तों पे, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में अगर प्लॉट्स चाहिए, या आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए घर चाहिए, आपने घर ख़रीद के रेंट आउट करना है, तो घर जो जितने भी हैं सब के सब कैश पे अवेलेबल हैं। इंस्टॉलमेंट पे सिर्फ आप हमसे 5, 7 या 10 मरले का घर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे प्लेटफॉर्म पे कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आपका बहरिया टाउन फेज इन रावलपिंडी के किसी भी ब्लॉक में प्लॉट आपका अपना है, 5 मरले का 7, 8, 9, 10 एक्सेलेंट इंक्लूड करके अगर आपने कंस्ट्रक्शन करवानी है, तो प्लेटफॉर्म पर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं वो भी जो हैं सिर्फ और सिर्फ कैश पे अवेलेबल हैं, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं हैं। घर भी जितने भी रेडी हैं इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं हैं, और प्लॉट्स और सब चीज़ें जो हैं कंस्ट्रक्शन के प्लान जो हैं वो भी कैश पे अवेलेबल हैं, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं हैं। तो अब हम आ चुके हैं व्यूअर्स इसके अपर पोर्शन में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, घर का मैप आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा। 7 मरला का सिंगल यूनिट हाउस है, और अब हम इसके अपर पोर्शन में आ चुके हैं। सबसे पहले इसका आप स्पेशियस टीवी लाउंज चेक कर लें। यहाँ पे हमारे पास क्लोज किचन है अपर पोर्शन का, यहाँ पे फर्स्ट बेडरूम, एलईडी रैक हमारे पास, और वेंटिलेशन की विंडो चेक कर लें। यहाँ पे हमारे पास सेकंड बेडरूम अवेलेबल है। यह आप एक और एंगल से इसका व्यू कर लें ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। हर एंगल से व्यू करवाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है व्यूअर्स, ताकि आपको इसकी स्पेस का आइडिया हो जाए और आपको अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट कैसी हो सकती है। अब आपको मैं यहाँ से भी दिखाता हूँ, ये देख लीजिए व्यूअर्स, बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी के जिस ब्लॉक में ये घर अवेलेबल है, गैस, बिजली और पानी सब कुछ इस ब्लॉक में अवेलेबल है। प्लस पॉइंट इज़ कि इस घर में भी हमारे पास जो है गैस इंस्टॉल्ड है, गैस अवेलेबल है। पानी और बिजली तो अमूमन हर घरों में मौजूद होती है, लेकिन गैस का थोड़ा इशू होता है क्योंकि ब्रांड न्यू घरों में थोड़े टाइम के बाद जो होती है गैस इंस्टॉल्ड की जाती है। लेकिन इस घर में हमारे पास जो है गैस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और अब अगर बात करते हैं इस घर की आस्किंग प्राइस की, इस घर की डिमांड की, तो इस घर की जो डिमांड है, इस घर की जो आस्किंग प्राइस है फ्रॉम ऑनर साइड, वो है 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लैक्स जो है इस घर की डिमांड है, आस्किंग प्राइस है, जो कि ऑनर की तरफ से है और जो कि नेगोशिएबल है। आप में से जिस किसी को भी ये घर पसंद आता है, वो ये घर ख़रीदना चाहता है या इसका ऑन ग्राउंड विजिट करना चाहता है, आपकी स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मेंशन है। आप मुझसे किसी भी टाइम कॉन्टेक्ट करके इस घर के मुताबिक डिटेल ले सकते हैं, इंशाल्लाह आपको गाइड कर दिया जाएगा। फर्दर इसके ऑनर के साथ आपकी मीटिंग भी करवा दी जाएगी। ब्रांड न्यू घर है व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 1 साल जो है ये घर बंद पड़ा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। जब आप इसका ऑन ग्राउंड विजिट करेंगे, आपको इसकी कंडीशन देख के भी आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू घर है। फिर भी आपको अगर इसमें कोई टचअप नज़र आते हैं, कोई चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं, कहीं पर कुछ आपको फॉल्ट नज़र आता है, आप वो भी मीटिंग में बैठ के ऑनर से डिस्कशन कर सकते हैं। घर जो है कम्प्लीटली 100% ओके करके आपके हैंडओवर किया जाएगा। इस घर की आस्किंग 175 है, 1 करोड़ 75 लैक्स है, और इस घर की जो लोकेशन है वो है बहरिया टाउन फेज एट रावलपिंडी। और अगर हाउस प्लान आपके साथ शेयर करूं, तो इस घर में हमारे पास टोटल 3 सुपर मास्टर साइज बेडरूम्स अवेलेबल हैं विद अटैच वॉशरूम, 2 स्पेशियस TV लाउंज अवेलेबल हैं, 1 ड्राइंग रूम विद पॉडो रूम अवेलेबल है, 1 स्टोर रूम भी अवेलेबल है लाउंड्री की साइड पे, और छत पे एज़ यूजल हमारे पास जो है सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम
अवेलेबल है। वेयर्स इस घर की बैक साइड पे आपके पास जो है पार्क भी अवेलेबल है, ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे मस्जिद अवेलेबल है, बैंक्स अवेलेबल हैं, स्कूल, पार्क, फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह सब जो हैं इस घर के ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स की ड्राइव पे अवेलेबल हैं। तो इस घर के मैंने आपको बता दिया था व्यूअर्स के जो राइट और लेफ्ट साइड पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं, बट आफ्टर प्लॉट्स राइट नेक्स्ट टू द प्लॉट घर कंस्ट्रक्टेड हैं और घरों में फैमिलीज जो हैं रह रही हैं। यह सेकंड वॉशरूम देख लीजिए अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम का और मिरर एरिया। घर की कंडीशन से आपको आइडिया हो रहा होगा व्यूअर्स, घर जो है बिल्कुल जो है ब्रांड न्यू है और जितनी इस घर की आस्किंग है इतनी आस्किंग में आपको इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में 7 मरला का ब्रांड न्यू घर जो है वो मिलना नामुमकिन है। लेकिन ये एक सिंगल यूनिट हाउस है व्यूअर्स, इसके जो जो अमूमन 7 मरला के ब्रांड न्यू घर होते हैं उसमें हमारे पास 5 मास्टर साइज बेडरूम्स अवेलेबल होते हैं विद अटैच वॉशरूम और 2 स्पीशियस टीवी लाउंज अवेलेबल होते हैं और ड्राइंग रूम विद पॉडो रूम अवेलेबल होता है। इस घर में हमारे पास सिर्फ रूम्स जो हैं वो टोटल 3 हैं और बाकी सब हमारे पास जो है मैप आपके सामने है, वीडियो आप कंप्लीट देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। और रूम्स जो है रूम्स की स्पेस काफ़ी ज़्यादा है इस घर में। और यह अब हमारे पास आगे इसका 3rd मास्टर साइज बेडरूम, वेंटिलेशन की विंडो भी अवेलेबल है, इसका आप सीलिंग चेक कर लें और फ्लोरिंग की टाइल तो बिल्कुल सेम है जैसे कि मैंने आपको बताया था और वेंटिलेशन की विंडो हमारे पास यहाँ से भी अवेलेबल है। और जो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास लॉन्ड्री टाइप दी गई है आप देख सकते हैं, यहाँ से इसका व्यू कर सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज़ के लिए दी गई है। जिसका आप एक और एंगल से इसका व्यू कर लें ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जाए। और ये जो आपको डोर नज़र आ रहा है व्यूअर्स टेरेस के एक्सेस के लिए है और यहाँ पे हमारे पास एक वॉशरूम अवेलेबल है, इसकी वार्डरोब्स हैं, इसकी वार्डरोब्स चेक कर लेते हैं और यहाँ पे इसका वॉशरूम, वॉशरूम की फ्लोरिंग पे डिफरेंट टाइल है, वाइट विंटी मिरर एरिया, वेंटिलेशन की विंडो, यहाँ पे इसका शॉवर एरिया अवेलेबल है, यहाँ पे इसका हमारे पास कमोड अवेलेबल है। व्यूअर्स इसी के साथ साथ हमने इस 7 मरला ब्रांड न्यू सिंगल यूनिट हाउस का कंप्लीट घर का जो है विज़िट कर लिया है और इसका जो हाउस प्लान है वो बाकी 7 मरला के घरों से कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ रूम से भी जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास टेरेस की एक्सेस है, फ्लोरिंग जो है कम्प्लीटली टाइल्स की गई है ये आप देख सकते हैं और यहाँ से आई थिंक हमारे पास जो है अपर पोर्शन छत की एक्सेस है। जी व्यूअर्स, ये जो आपको मैंने कार पोर्च से डोर दिखाया था व्यूअर्स, कार पोर्च के डोर से ही हमारे पास जो है ये आप देख सकते हैं अपर पोर्शन की एक्सेस है। मैं तो अपर पोर्शन में नहीं जा रहा बट आपने अगर विज़िट करना होगा तो इंशाल्लाह आपको विज़िट करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं वापस घर के अंदर और फर्दर आपको मैं इसका रिकैप करवा दूँ डिटेल्स का और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने विज़िट किया है 7 मरला ब्रांड न्यू सिंगल यूनिट हाउस का जो कि इस टाइम बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी में 1,75,00,000 कैश पे अवेलेबल है। और इस घर में हमारे पास 3 मास्टर साइज बेडरूम्स अवेलेबल हैं विद अटैच वॉशरूम, 2 स्पीशियस टीवी लाउंज अवेलेबल हैं, 1 ड्राइंग रूम विद पॉडो रूम अवेलेबल है एंड 2 जो हैं हमारे पास किचन्स अवेलेबल हैं। इसकी लोकेशन जो है वो है बहरिया टाउन फेज ए रावलपिंडी और बाकी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट घर की वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करिएगा और अपनी फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।